सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर स्क्वाड के बारे में। ये कहानी है मिकी कोहेन की, जो अपने आप को कैलिफोर्निया का डॉन समझता था और उसे लगता था कि उसकी मर्जी के बिना यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब पुलिस वालों ने एक स्क्वाड बनाया उसे मारने के लिए। तब मिकी और उस स्क्वाड की जिंदगी ही बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1949 का दृश्य आता है और ये जगह होता है लॉस एंजलस, और यहीं पर हम मिकी कोहेन को देखते हैं जो अभी दो लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि ये दोनों मिकी के पास एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और इनका कहना था कि मिकी अपना दबदबा सिर्फ लॉस एंजलस में बना के रखे और वो शिकागो ना आए, क्योंकि शिकागो में इनके बॉस का दबदबा है और उसका बॉस चाहता है कि इनके बीच लड़ाई ना हो। इसीलिए मिकी लॉस एंजलस में रहे और वो शिकागो में रहे और दोनों का धंधा अच्छा चले और इनके बीच कभी भी टकराव ना हो। लेकिन मिकी बहुत ही जिद्दी और रियल आदमी है और वो नहीं चाहता कि उसका दायरा सिर्फ लॉस एंजलस तक रहे, इसीलिए वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहता और उसे ये बात भी बुरी लगती है। इसीलिए वो इन दोनों को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और फिर इन दोनों में से एक को मार देता है और दूसरे को जिंदा छोड़ता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है, क्योंकि तुम जा करके अपने बॉस को बताओ कि मिकी कोहेन कैसा आदमी है और उससे कोई भी समझौता नहीं कर सकता। मिकी वही करेगा जो उसके मन में आएगा और जल्दी ही मैं तुम्हारे बॉस पे हमला करने वाला हूँ, और जिस तरीके से लॉस एंजलस में मेरा दबदबा है वैसा ही अब शिकागो में भी होगा। और इतना कहने के बाद वो इस आदमी को भगा देता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की की तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि वो एक फिल्म बनाने वाला है जिसके लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश है। इसीलिए आदमी चाहता है कि ये लड़की ऑडिशन दे कि ये हीरोइन के लिए फिट है या नहीं है, और वो लड़की भी इसकी बातों में आने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सार्जेंट जॉन ओमारा को, और जॉन एक पुलिस वाला है और जॉन बहुत दिनों से इस आदमी का पीछा कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि इस आदमी का यही काम है, ये भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें फिल्म ऑडिशन का लालच देकर के ले जाता है अपने होटल में और फिर उन्हें वैश्याले में बेच देता है। इसीलिए जॉन इसका पीछा कर रहा है और वो उसे क्राइम करते हुए पकड़ना चाहता है ताकि उसके खिलाफ कोई गवाही दे सके। इसीलिए अब जॉन देखता है कि आदमी इस लड़की को लेकर के यहाँ से जा रहा है, फिर वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी उस लड़की को लेकर के होटल के अंदर चला जाता है। तब जॉन भी जाने लगता है, फिर उसका साथी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इस होटल के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये होटल मिकी कोहेन का है, और अगर उसे पता लगा कि तुमने ऐसा किया है तब सबके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जॉन कहता है कि मेरे लिए उस लड़की की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो घर के अंदर जाने लगता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो उस लड़की को अंदर लेकर के जाता है। तब इसके कुछ और आदमी भी उस लड़की को घेर लेते हैं और ये सारे लोग उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे जॉन पहुंच जाता है और वो एक एक करके सबको पीटने लगता है और उन्हें घायल करता है और लड़की को लेकर के जाने लगता है। लेकिन जब वो सारे के सारे दरवाजे को खोलता है तब उसे पता लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे और भी लड़कियों को रखा है जिनसे ये लोग देह व्यापार करवाते हैं। इसीलिए जॉन सबको आजाद करवा देता है और तीन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाता है पुलिस स्टेशन। तब इसका सीनियर यहाँ पे जॉन पे गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमारे पास वारंट नहीं है और हम मिकी के किसी भी काम के रास्ते में नहीं आते। तभी यहाँ पे मिकी का वकील आ जाता है और वो इन तीनों को लेकर के चला जाता है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते। तब जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी यहाँ पे सार्जेंट जेरी आता है जो जॉन का अच्छा दोस्त है, फिर वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो और धीरे धीरे तुम्हें यहाँ के बारे में पता लगेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए अब जॉन घर चला जाता है। तब हमें पता लगता है कि जॉन पहले मिलिट्री में था और उसने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा हुआ है, लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया और अभी वो अपनी पत्नी के साथ रहता है जिसका नाम है कोनी। और कोनी जब देखती है कि जॉन के शरीर पे चोटों के निशान है तब वो उसे आगाह रहने के लिए कहती है क्योंकि कोनी जल्दी ही माँ बनने वाली है। तभी हम जेरी को देखते हैं जो जाता है एक रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट है मिकी कोहेन का, और यहाँ जाने के बाद वो एक जैक नाम के आदमी से मिलता है जो मिकी के लिए काम करता है, लेकिन जैक जेरी का खबरी भी है। इसीलिए अब जेरी उससे पूछने लगता है मिकी के बारे में कि आजकल मिकी क्या कर रहा है। तभी जेरी यहाँ पे एक लड़की को देखता है जिसका नाम है ग्रेस, फिर वो जैक से पूछता है कि ये लड़की कौन है। फिर जैक बताता है कि वो मिकी की टीचर है, एटी की टीचर, जो उसे सिखाती है कि उसे लोगों से कैसे पेश आना है क्योंकि मिकी का उठना बैठना शहर के सबसे बड़े लोगों के साथ है और वो यहाँ के सरकारी अधिकारियों के साथ भी उठता बैठता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। लेकिन अब जेरी कहीं ना कहीं ग्रेस के प्रति आकर्षित हो चुका है, इसीलिए वो ग्रेस को ही देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद ग्रेस जैसे ही ड्रिंक्स लेने जाती है, जेरी उसके पास चला जाता है और उसे बातें करता है, और जेरी की बातें यहाँ पे ग्रेस को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो उसे बहुत हंसाता है, और ग्रेस को देख करके लगता है कि अब वो भी जेरी के प्रति आकर्षित होने लगी है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि उसे चीफ बिल पार्कर बुला रहे हैं। तब जॉन जाता है पार्कर के पास। तब पार्कर उसे कहता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और हमारे ज्यादातर पुलिस वालों ने कभी मिकी पे हाथ
हाथ नहीं डाला, लेकिन तुम पहले शख्स हो जो खुलेआम उसके अड्डे पे गया, उसके आदमियों को पीटा और उन्हें गिरफ्तार भी किया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस काम को जारी रखो, लेकिन ये काम तुम पुलिस की वर्दी में नहीं करोगे, क्योंकि मिकी के हाथ में यहाँ के सारे सरकारी अधिकारी हैं, तो वो हमें रोक सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक अलग स्क्वाड बनाओ और उस स्क्वाड का कोई भी नियम कानून नहीं होगा। तुम लोग जो चाहो वो कर पाओगे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे भी मिकी कोहेन के साम्राज्य को खत्म करो और तब उसे अंत में हम गिरफ्तार करेंगे। हमें उसे मारना नहीं है, हमें बस उसके साम्राज्य को तहस नहस करना है, ताकि यहाँ के सारे लोगों को ये बात पता लगे कि पुलिस वाले हमेशा ही क्रिमिनल से ऊपर है। इसीलिए फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है, और तुम पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को भी चुन सकते हो, और अगर तुम्हें किसी बाहर वाले को लाना है तब तुम उसे भी ला पाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन भी मान जाता है और वो सारे के सारे पुलिस वालों की फाइल्स देखने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं और उसके साथ ग्रेस भी होती है, और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों अब बहुत करीब आ चुके हैं। लेकिन जेरी ने अभी भी ग्रेस को नहीं बताया है कि वो एक पुलिस वाला है, लेकिन ग्रेस उसे पूरी बात बताती है कि वो कभी भी मिकी के साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब वो मिकी के जंगल में फंस चुकी है, इसीलिए उसे उसके साथ रहना पड़ेगा वरना वो उसके पूरे परिवार को और उसे भी मार देगा। तभी हम जॉन को देखते हैं जिसने अपने सारे लोगों को चुनना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो सबसे पहले जाता है जेरी के पास और उसे पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है। तब जेरी कहता है कि ये एक आत्महत्या है, तुम्हें पता भी है कि मिकी कौन है। उसे जरा सा भी भनक लगा कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं तब वो एक बार भी नहीं सोचेगा हमें मारने में, और सबसे पहले हम मरेंगे, इसीलिए जेरी उसे मना कर देता है। इसीलिए अब जॉन जाता है लेफ्टिनेंट कोलमैन हैरिस के पास। हैरिस चाकू चलाने में उस्ताद है और उसके साथ साथ गन फाइटिंग में भी, और उसने बहुत सारे डेयरिंग काम किए हैं, और उन कामों को देखने के बाद जॉन को लगता है कि वो उसके स्क्वाड के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसे अपने स्क्वाड में वैसे ही लोग चाहिए, और हैरिस भी इस काम के लिए मान जाता है। फिर जॉन पहुंचता है मैक्स नाम के एक आदमी के पास। मैक्स भी कभी पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन हर जगह पे उसके निशाने की तारीफ हुई है और सबका कहना है कि उसका निशाना अचूक है, और वो कितनी भी दूर से निशाना लगाए लेकिन उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसीलिए अब जॉन उसे पूरी बातें बताता है। तब मैक्स उसे लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे वाहियात स्क्वाड में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन जॉन उसे फिर से समझाने लगता है कि इनके पास यही एक मौका है, क्योंकि अगर इन लोगों ने मिकी को नहीं रोका तो वो धीरे धीरे सबको परेशान करने वाला है और सबका यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाएगा। तब इन बातों को सुनने के बाद मैक्स मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा चेला भी मेरे साथ रहेगा और उसका नाम है रमी तेज। तब जॉन भी इस बात के लिए मान जाता है और ये दोनों स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं। तब जॉन जाता है अपने आखिरी मेंबर के पास जिसका नाम है कॉनवेल, और कॉनवेल एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट है और वो किसी का भी फोन टैप कर सकता है और वो किसी के भी घर में हियरिंग डिवाइस लगा देता है। इसीलिए जॉन को कॉनवेल की जरूरत है ताकि वो लोग मिकी के हर एक हरकत पे नजर रख सके, और जब वो कॉनवेल को अपनी प्लानिंग बताते हैं तब वो भी उनके साथ शामिल होने के लिए मान जाता है। तभी हम मिकी को देखते हैं जो अपने एक कंपटीटर के साथ बैठा होता है, और अब वो उसे धमकाता है और कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ का बेताज बादशाह होगा और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तब उसका कंपटीटर उसे कहता है कि तुम यह गलत कर रहे हो और तुम्हें एक दायरे में रहना चाहिए जैसे हम सब हैं। तब मिकी कहता है कि नहीं, जल्दी ही तुम सब लोग अपनी अपनी तबाही देखोगे। तभी हम जॉन को देखते हैं जिसने अब प्लानिंग कर ली है, और वो सबसे पहले हमला करने वाला है मिकी के एक कसिनो पे, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को लेकर के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि इस कसिनो के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले हैं और ये सारे भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जिन्हें मिकी पैसे खिलाता है, इसीलिए वो सारे लोग इन पर बंदूकें तान देते हैं और ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये पुलिस वाले जॉन और हैरिस को पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के जाने लगते हैं। तभी हम जेरी को देखते हैं और जेरी सड़क पे घूम रहा होता है। तभी वो एक छोटे बच्चे के पास जाता है जो अपना घर चलाने के लिए शू पॉलिश करता है, इसीलिए जेरी उससे पॉलिश करवाने लगता है। तभी वो बच्चा बताता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मिकी आज रात अपने कंपटीटर्स को मरवाने वाला है ताकि वो यहाँ का बेताज बादशाह बन सके। तब जेरी उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तब तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे मिकी के लोग आ जाते हैं और वो अंधाधुंध सब पे गोलियां चलाने लगते हैं ताकि वो उसके कंपटीटर को मार सके, और वो जल्दी उसके कंपटीटर को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा गोलियां चलती है कि एक गोली आकर के लग जाती है उस छोटे बच्चे को। तब जेरी भागता हुआ उस छोटे बच्चे के पास आता है, लेकिन वो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा घायल होता है, इसीलिए वो जेरी के बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर जेरी गुस्से से आग बबूला होने लगता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और मिकी के सारे लोगों को ढेर कर देता है। तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। तब वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे मिकी रहता है, और अब वो मिकी को भी मारने वाला होता है। तभी उसके सामने जैक चला आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कभी भी मिकी को नहीं मार पाओगे, जरा अपने आसपास देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, वो तुम्हें भून के रख देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद जेरी भी शांत होने लगता है। तभी हम जॉन और हैरिस को देखते हैं जिन्हें अब जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उसके बाकी साथी यहीं पे हैं और अब वो उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते। तभी जेरी को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो जाता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि मैं मिकी का आदमी हूँ, इसीलिए मैं उन दोनों को लेने के लिए आया हूँ। फिर वो उन्हें लेकर के जाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे मिकी के आदमी आ जाते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे गोलीबारी होने लगती है।
और ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती है। लेकिन जेरी यहाँ पे जॉन और हैरिस को लेकर के निकल जाता है और कहता है कि वो भी स्क्वाड में शामिल होना चाहता है और मिकी को बर्बाद करना चाहता है। तभी हम मिकी की नई प्लानिंग देखते हैं और वो एक नई टेलीफोन लाइन बिछा रहा होता है ताकि सारे लोग घर बैठे बैठे गैम्बलिंग कर सके और पुलिस वालों को इसके बारे में कोई भी खबर ना लगे। और वो इस तरीके से पूरे शहर के लोगों को दत लगाना चाहता है जुए की। लेकिन दूसरी तरफ जॉन भी अपनी टीम के साथ तैयार है, इसीलिए वो एक के बाद एक यहाँ पे मिकी के सारे अड्डों को ब्लास्ट करने लगता है और वो उसके सारे के सारे बिजनेस को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन मिकी का साम्राज्य इतना बड़ा होता है कि उसे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात इन्हें भी महसूस होती है। इसीलिए लोग निश्चय करते हैं कि अब हम मिकी के घर पे माइक लगाएंगे ताकि हम उसकी सारी बातों को सुन सके और वो काम कर सके जिससे मिकी को सच में नुकसान हो। इसलिए रात में ये सारे लोग पहुंचते हैं मिकी के घर पे और वहाँ पे माइक भी लगा देते हैं। लेकिन जैसे ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तभी ग्रेस यहाँ पे जेरी को देख लेती है। लेकिन ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये मिकी की सारी बातें सुनने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि मिकी का बहुत सारा ड्रग्स आज शहर में आने वाला है। तभी इन्हें लगता है कि यही सही मौका है, इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे और पूरे के पूरे ट्रक को तबाह कर देते हैं जिसमें ड्रग्स होता है। तब इस बात को सुनने के बाद मिकी आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और वो समझ नहीं पा रहा है कि इतनी हिम्मत किसकी हो गई है। इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को काम पे लगा देता है कि वो उस आदमी को ढूंढे जिसने ये तबाही मचाई है। लेकिन अब ये लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि मिकी एक नई टेलीफोन लाइन बिछा रहा है जिससे सारे लोग घर से गैम्बलिंग कर पाएंगे। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग सारे के सारे इस प्लान को बर्बाद कर देंगे। तब कॉनवेल इन्हें कहता है लेकिन इस सारे के सारे टेलीफोन लाइन को खराब करने के लिए हमें हेडक्वार्टर को ब्लास्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अब कॉनवेल काम में लग जाता है और वो पता लगा लेता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और जैसे ही इन्हें पता लगता है ये लोग उस बार में जाते हैं जिसके बेसमेंट में वो हेडक्वार्टर है। फिर वो धीरे धीरे सारी चीजों को तबाह करने लगते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे बहुत सारा कैश भी मिलता है। फिर सारे के सारे कैश को जला देते हैं। लेकिन जैसे ही मिकी को ये बात पता लगती है वो आग बबूला हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि कौन उसके पीछे लगा है। लेकिन अब मिकी को शक हो जाता है कि ये काम पुलिस वालों का है। तब मिकी को ये बात भी समझ में आ जाती है कि कोई उनके बीच घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि जितनी बार भी उन लोगों ने हमला किया उन्हें पता था कि हम क्या करने वाले हैं और हमारा डील कहां पे हो रहा है। तभी इन सारी बातों को यहां पे ग्रेस सुन लेती है, इसलिए वो यहां से भाग जाती है। लेकिन मिकी अब अपने पूरे घर की तलाशी लेने लगता है और बहुत देर तलाशी लेने के बाद उसे वो माइक मिल भी जाता है। तभी ग्रेस पहुंचती है जेरी के पास और उसे पूरी बात बताती है। तब जेरी भी उसे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो उसे अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। तब ग्रेस कहती है कि मुझे शहर से बाहर जाना है। इसलिए जेरी अब ग्रेस को लेकर के जाता है जैक के पास और कहता है कि इसे सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तब मिकी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आदमी के घर में कभी भी तलाशी नहीं लेगा। और इतना कहने के बाद जेरी यहां से चला जाता है और फिर से वो लोग मिकी के घर की बातें सुनने लगते हैं। तब इन्हें एक और डील के बारे में पता लगता है और ये सारे पहुंच जाते हैं उस जगह पे। तब उन्हें पता लगता है कि मिकी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और वो इन सबको मारना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पे जाल बिछाया था और उसने जानबूझ के माइक पे ये सारी बातें कही थी। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि अब मिकी इनके पीछे आएगा। और इन्हें पता लगता है कि कॉनवेल अभी भी अकेला है, इसीलिए लोग कॉनवेल के पास जाने लगते हैं। लेकिन इनसे पहले वहाँ पे मिकी पहुंच जाता है और वो कॉनवेल को मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब जॉन आग बबूला हो जाता है और वो जानता है कि अगर इसने जल्दी मिकी को खत्म नहीं किया तब वो इन सबको खत्म कर देगा। इसीलिए वो जाता है मिकी के घर पे। तब वो देखता है कि मिकी गायब हो चुका है। तभी कुछ लोग आकर के यहाँ पे बताते हैं जॉन को कि उसके घर पे हमला हुआ है और जॉन भागता हुआ अपने घर पे जाता है। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी सही सलामत होती है और उसकी बाथ टब में ही डिलीवरी हो गई है, लेकिन उसका बच्चा भी सही सलामत है। लेकिन जॉन इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि मिकी उसके घर तक चला आया। लेकिन धीरे धीरे ये बात अब पता लग जाती है यहाँ के मेयर को और हर जगह ये बात फैल जाती है कि पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया है। इसीलिए अब पार्कर के साथ साथ इन सबको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तब जॉन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को इस देश से बाहर भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी मिकी इनके पीछे आ सकता है। इसीलिए अब जॉन जाता है जेरी के पास और ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रेस आती है और वो जेरी को बताती है कि उन लोगों ने जैक को मार दिया, लेकिन उनके आने से पहले वो छुप चुकी थी, इसीलिए उसने इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा और जैक को मारने वाला खुद मिकी था। मिकी ने उस पर गोली चलाई थी। इसलिए ग्रेस कहती है कि अब मैं गवाही दूंगी कि मिकी ने मेरे सामने जैक को मारा था और उससे उसे सजा होगी। तब इन बातों को सुनने के बाद अब जॉन भी खुश हो जाता है और वो जेरी को कहता है कि अभी भी हमारे पास रात 12 बजे तक का वक्त है, क्योंकि हम आज ही सस्पेंड हुए हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी रात के 12 बजे के बाद खत्म होगी। तब तक अगर हम चाहें तो मिकी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसीलिए अब ये लोग जाते हैं मिकी के एक आदमी के पास और उसे धमकाने लगते हैं और डर के मारे वो बता देता है कि मिकी कहाँ पे है। तब ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे और हमें पता लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा होटल है और मिकी ने यहाँ पे हर जगह अपने लोगों को खड़ा कर रखा है जिनके हाथों में बंदूकें हैं और वो गोली चलाने में एक बार
भी नहीं झिझकेंगे। लेकिन जॉन और उसकी टीम को भी पता है कि इनके पास सिर्फ रात 12 बजे तक का वक्त है और जो कुछ भी इन्हें करना है उन्हें अभी ही करना पड़ेगा। इसीलिए जॉन यहाँ पे उन पे गोलियां चलाने लगता है और वो लोग भी इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और ये लोग मिकी के बहुत सारे लोगों को मारते हैं और देखते ही देखते मिकी के लोगों की तादाद कम होने लगती है। तब मिकी को पता लगता है कि आज पुलिस वाले नहीं मानेंगे और वो उसे यहाँ पे गिरफ्तार करने आए हैं। इसीलिए मिकी प्लानिंग करता है कि वो देश को छोड़ देगा। फिर वो भी एक बंदूक उठाता है और गोली चलाता हुआ बाहर आता है। तब एक गोली आकर के लग जाती है मैक्स को और सारे लोग मैक्स को देखने लगते हैं। तभी मिकी एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है लेकिन जॉन उसे देख लेता है। इसीलिए वो उसकी गाड़ी के ऊपर कूद जाता है और कांच तोड़ करके ड्राइवर को पीटने लगता है जिससे मिकी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी यहीं पर रुक जाती है। तभी उस गाड़ी से मिकी का एक आदमी बाहर आता है और वो जॉन पर बंदूक तान देता है। फिर वो जॉन को मारने ही वाला होता है तभी हम मैक्स को देखते हैं जो इतनी दूर से घायल हालत में भी शानदार निशाना लगाता है और वो उस आदमी का काम तमाम कर देता है। लेकिन उसे मारते ही यहाँ पे मैक्स की भी मृत्यु हो जाती है। तब मिकी आता है जॉन के सामने और कहता है कि क्या तुम मुझसे मर्दों की तरह लड़ोगे या फिर हमेशा की तरह छुप छुप के वार करोगे? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ हम दो दो हाथ करते हैं। और मिकी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि किसी जमाने में वो बॉक्सर हुआ करता था, वो भी बहुत शानदार। इसीलिए उसे भरोसा है कि वो जॉन को हरा देगा। और अब ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और शुरू शुरू में मिकी यहाँ पे जॉन को बहुत पीटता है। लेकिन एक बार जब जॉन गुस्से में आता है तब वो मिकी को पीटने लगता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और एक एक करके उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मीडिया वाले भी आ जाते हैं और सारे लोग देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पे मिकी को कैसे पीट रहा है जैसे मिकी कोई सड़क छाप आदमी हो, क्योंकि जॉन उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। और अंत में मिकी घायल पड़ा होता है और वो देखता है कि पूरे शहर ने उसकी यह हालत देख ली है। इसीलिए वो फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि आज से उसका दबदबा खत्म हो गया और अब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करने वाला। इसीलिए पुलिस वाले यहाँ से मिकी को लेकर के चले जाते हैं और उस पर सारे के सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। फिर उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में भी लोग उसे बार बार टॉर्चर करते हैं क्योंकि जेल में जैक के बहुत सारे दोस्त होते हैं। लेकिन गैंगस्टर स्क्वाड में जितने भी लोग थे उन सब का नाम कभी भी पब्लिकली नहीं बताया जाता और इनमें से ज्यादातर लोगों को पुलिस की नौकरी पे वापस बुला लिया जाता है। लेकिन जेरी पुलिस की नौकरी नहीं करता और वो ग्रेस के साथ रहने लगता है और जॉन भी नौकरी छोड़ करके चला जाता है अपनी पत्नी के पास और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।